क्या वोडाफोन आइडिया बंद होने वाला है? 28 करोड़ सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में वोडाफोन आइडिया के, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स इस प्रकार के आज के रेटिंग मार्केट में चल रहे हैं जिसके कारण से उन सभी उपभोक्ताओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया, जिसके अंदर आइडिया कुछ समय पहले मर्ज हुआ था, उनके जो CEO हैं उनके तरफ से बोला गया, जो कि आदित्य बिरला जी हैं, कि वो चाहते हैं एग्जिट करना इस टोटल बिजनेस से और अपना स्टेक गवर्नमेंट को उन्होंने ऑफर किया है। एक बहुत बड़ा कारण ये है जिसके कारण से वोडाफोन आइडिया के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ जो सेकेंड स्टेटमेंट निकल के आता है वो आता है वोडाफोन की तरफ से। वोडाफोन जो कि एक UK बेस्ड कंपनी है, उन्होंने मना कर दिया है नए इन्वेस्टमेंट को लाने से इंडिया के अंदर वोडाफोन आइडिया के अंदर, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेप्ट के अंदर कंपनी चल रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया जो कि एक एंटिटी है आज की डेट में, उनको लगभग 58,000 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पे करने थे AGR ड्यूज के रूप में। अब इसके बाद आज की डेट में बात देखी जाए तो टोटल लगभग 8,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया की तरफ से भारत सरकार को, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पे कर दिया गया है। लेकिन आपको अगर बता दें कि वोडाफोन आइडिया आज की डेट में इंडिया के अंदर लगभग 25% मार्केट को अपने पास रखा हुआ है, साथ ही साथ 27 करोड़ जो जनसंख्या है, या आप कह सकते हैं कि 270 मिलियन, इतने सब्सक्राइबर कम नहीं होते हैं किसी कंपनी के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 27 मिलियन लोग किसी एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको चलाने के लिए काफी मात्रा में वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आज की डेट में अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है तो कितने बड़े मात्रा में बेरोजगारी सामने निकल के आएगी उसका हम आकलन भी नहीं कर सकते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा आप सभी को कि pre-2000 इंडिया के अंदर दो कंपनीज मुख्यतः काम करती थी। अब इन दो कंपनीज के कारण उसको हम डुप्ले मार्केट कहते थे, जो कि एक तरीके से आपस में मिलकर मार्केट को चला रही थी, या आप कह सकते हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वो लोग आपस में मिलकर मार्केट को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से पहल करते हुए कोशिश ये किया गया कि मल्टी कंपनी इन्वेस्टमेंट हो इस फील्ड के अंदर और बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर आए, और उसके बाद इंडिया के अंदर काफी सारे कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार के इस कदम के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से टेलीकॉम मार्केट के अंदर उछाल आया। वहां पे रेट्स काफी हाई थे, लेकिन जब 2016 के अंदर जब जियो की एंट्री होती है इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर, तो उसके बाद काफी सारी कंपनीज बंद हो गई। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सारे एग्जिस्ट करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कंपनीज ऐसे बंद होती रही और सिर्फ एयरटेल जो कि सस्टेन कर पा रहा है इस पूरे तरीके के AGR ड्यूज को या किसी परेशानी को, तो आने वाले टाइम के अंदर जियो और एयरटेल के अलावा कोई और नहीं रहने वाला है। BSNL एक भाषकारी कंपनी है, लेकिन इन दो कंपनीज के द्वारा मुख्यतः मार्केट को कंट्रोल किया जाएगा, जो कि भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। मतलब यह कि वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो एग्जिस्ट कर जाए। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आपने अभी देख लिए होंगे जहां पे आप लोगों को बताया गया होगा कि आप स्विच कर दीजिए, आप हो सकता है कि आप जिस नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं वो नंबर आपका बंद हो जाए, और बहुत तरह की बातें की जा रही होंगी। लेकिन मेरा मानना यह है, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरी स्टडी है इस केस के ऊपर, ये बता जरूर सकता हूं मैं आपको कि भले ही इन्वेस्टमेंट के बारे में मना कर दिया गया है वोडाफोन इंटरनेशनल की तरफ से, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस कंपनी को बंद होने नहीं देगी, और आने वाले कुछ समय के अंदर हो सकता है कि आप कुछ ऐसे नियमों में बदलाव देखें जिसके कारण वोडाफोन आइडिया के जो शेयर्स हैं वो फिर से अपने पुराने नंबर्स में आने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेट्रो जो टैक्स थे इनके ऊपर नया कानून लाने के बाद वोडाफोन आइडिया के ऊपर वैसे भी थोड़ा सा, मतलब अच्छा तरीके का असर पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया एक ऐसी छोटी कंपनी नहीं है जो कि एक झटके में बंद हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे हैं, बहुत सारे जॉब्स स्टेक पे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट स्टेक पे है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया आने वाले कुछ समय तक तो बंद नहीं होने वाला है। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आए जिसके बाद वो पूरी तरीके से अच्छे से चलने लगे। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वोडाफोन आइडिया के जो प्लान्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपके नेटवर्क पहले से अच्छे हुए हैं वोडाफोन आइडिया के या खराब हुए हैं? क्योंकि पिछले कुछ समय से वोडाफोन आइडिया के जो नंबर्स हैं सब्सक्राइबर के वो बढ़ रहे हैं, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, जैसा कि रिपोर्ट सारे ट्राई के उसके अंदर देखा जा रहा था। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोग वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स हैं उन लोगों को मालूम चल सके कि ये कंपनी इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली है। निराश ना हो,
थोड़े बहुत दिन तक आपको हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। कुछ समय के बाद चीज़ें बदलेंगी और आपको ये बता दूं कि तैयार रहिएगा कि आपके जो रेट्स हैं, जो टैरिफ रेट्स हैं, वो बहुत जल्द हाइक होने वाले हैं एयरटेल के उस रेट के आने के बाद। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच देखने के लिए।